वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ए जी अमृतसर पंजाब न्यूज चैनल विच आपका स्वागत करते हैं। न्यूज चैनल तो अमरजीत सिंह, खबर पत्रकार निर्मल सिंह जी, शहर अजनाला फतेहगढ़ रोड, गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह। बड़े सुख हैं जिन्हें किसी जगती सिंह राकेश सिंह की लड़ होती है, जगजात सिंह की, किसी पार्टी सिंह की। कई बार साढ़े मानसिक करके परिवार घर वाले प्रोग्राम दे ये वे परिवार घाटे सुनी साढ़े को राकेश सिंह भी है, पार्टी सिंह भी, गुरचात सिंह भी, आप अपने परिवार से ही लैके अपना सारा कार्य करके लगभग जाने की जरूरत है। जे पार्टी सिंह के उन्होंने भी लाभ है क्योंकि उन्होंने जगत सिंह वेलवा बढ़ेगा और प्रोग्राम ज्यादा मिलेंगे राकेश सिंह भी राकेश सिंह सारे क्योंकि एक बड़े परिवार में बड़े सुख ही सुख के दुख पे नहीं है क्योंकि
बाबा जी आप दूर तो चल के आए हो तो अज के जोड़ा समागम है ये बारे तुम की कहना चाहते ये बारे जी भी एकत्रता वास्ते ही ग्रंथी संघा सारे बेनती की है क्योंकि जमात के नाल करम आते आ समय समय ना बदले रूप दुनिया समय समय ना बदल इंसान जाते वक्त पैदा तो कुदरतान बदले समय समय ना बदल भगवान जाते क्योंकि समा जोड़ा बदला दा क्योंकि साढ़े ग्रंथी संघ भाई साहब जिन्हें भी पाठी संघ बहुत इन्होंने नाल जो हालात इन्होंने माड़े ने पिछले समय के आप देखा तो हम सू कतरता की लड़ते ये वास्ते इस विषय तक जड़िया विचार हुई ने सारे कट्ठे होकर आप एक दूजे एक जुड़ता होने की गल की वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। सारी सभा के इंचार्ज दफ्तर के अज का जो समागम है वो बारे तुम की कहना चाहते हो? सत्कारयोग ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ग्रंथी सभा साढ़े सत्कारयोग जी नरेंद्र सिंह जी प्रधान प्रैस सकत्र साढ़े बाबा जी भगत सिंह जी दास तुम दस ही दिता कि दफ्तर इंचार्ज है साडा ये अज का एजेंडा साड़ी मीटिंग अज की यह है कि जिन्हें भी साढ़े पाठी ग्रंथी प्रचारक ढाडी कमीशर जिन्हें भी सारे गुरमुख सिद्धांत को लैके चल रहे उन्होंने दरपेश मुश्किल आ रही ने जिड़िया उन्होंने हल करने वास्ते आप सारे एकत्र हो सारे ने यह बेनती की कि अपनी जमात करामात आप अगे लैके चलीए जो भी साढ़े वीर ग्रंथी संघा पाठी संघा होर प्रचारकों जड़िया मुश्किल दरपेश हुई आप बैठ के सारी सभा जी हल कर सकी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी गुरबीर सिंह जी छीना साहब अज इत सभा ने तू राजसी का प्रधान बनाया सब तो पहले तो आप जी बहुत बहुत मुबारक तो तुम इस सभा के नाल जुड़ के तुम की प्रतिविधियाँ जो तुम गतिविधियाँ जीडिया करोगे? सब तो पहला वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज जो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब गुरमत ग्रंथी सभा की इतने एकत्रता से दास नूं भी मैसेज आया कि दास ने इस मीटिंग दे विच इस सभा दे विच एकत्रता दे विच शामिल होकर जो माण इस सभा दे विचों प्राप्त किया राजा सांसी हल्के का मैनू
ग्रंथी सभा का जो प्रधान नियुक्त किया गया, मैं सारी अपनी जी अपलाइन है वह धन्यवाद करता हाँ, जिम्मे नरेंद्र सिंह जी चंडे होर समूह अहदेदार धन्यवाद। तो जिस तरह ये मैं जिम्मेवारी सौंपी गई है मैं बाखूबी निभाने का यतन करा। सो गुरु साहब कृपा करन ये जी सा फुलवाड़ी है महाराज इस होर अगे वधाउण। अज की इत्थे एकत्रता का इहो ही मकसद से कि साडा आ जिहड़ा भाईचारक परिवार है जिहड़ा साडा ये ग्रंथी सभा का परिवार है इसनों होर अगां वधाया जाए होर प्रचार किया जाए वध तो वध बच्चे साढ़े इस परिवार के नाल शामिल होवन। जिवें अज साडी त्रासदी है कि कौम जिहड़ी है ग्रंथी सिंघां नूं अज इहो जिहे दिन वेखने पै रहे ने कि जिहदे करके बच्चे इस ग्रंथी सिंह बनने वास्ते जिहड़े तैयार नहीं हो रहे। सो असीं प्रेरांगे वध तो वध बच्चों नूं वध तो वध जिहड़ा ग्रंथी सिंघां दा मान सन्मान बनता सत्कार उन्हां नूं दवाया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण साढ़े इस अजनाले दे जो बाबा जीवन सिंह दे हैड ग्रंथी साहब ने भाई साहब भाई बलवंत सिंह जिन्हां ने बड़ा उपराला किया दूर नेड़े तो सारे प्रचारकों नूं इत्थे सद के ते इह सभा बुलाई ते मीटिंग की है। तो बाबा बलवंत सिंह जी आप जी नूं बेनती की जाती है कि जिहड़े अज दा जिहड़ा समागम होया उस बारे तुसीं की कहना चाहते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतसंग जी ये बहुत जरूरी से जो अज सिख मिशन दे परिवारां दे परिवार जिहड़े अपने धर्म मिशन नूं छड्ड के दूजे मिशन विच जा रहे हैं उन्हां दा सानूं बड़ा दर्द सी। उस घाट नूं पूरा करन वास्ते साडे अपने ग्रंथी सिंघां दी एकता बड़ी जरूरी है। सब तो पहली असीं ये एकता बना के फिर असी जिहड़े ये कुरीतियां साडे पंथ अंदर साडे बच्चे पतित हो रहे ने जां अपने धर्म नूं छड्ड के दूजे पासे जा रहे हैं उहदा जो सानूं पंथ नूं फिकर दर्द है इस करके असीं अपने भरावां नूं पहलां एकत्र कर रहे हैं फिर अपने ग्रंथी सिंह वीर मिल के सारे इस साडी सभा ये जिहड़ा बच्चों गुरसिखी का प्रचार गुरु घर का बाणी के नाल जोड़ना और बाणी नाल जोड़ना साडा मुख विशा यही है कि साड़ी आने वाली पीढ़ी साड़े बच्चे जिहड़े आ बाणी बाणी के धारनी होण साड़ियां संगतां जिहड़ियां गुरु घर के इतिहास बारे जाणू होण। असीं सारे ग्रंथी सिंह मिल के यही सारा जिहड़ा उपराला कर रहे हैं। सो महाराज कृपा करन साड़े वीरां दा भरावां दा आपसी विच ग्रंथी सिंघां दा प्रचारकां ढाडियां दा आपसी प्यार बन जाए तो असीं रल के जिहड़ा हमला मारीए साडे सिखी प्रचार धर्म के जो गुरु साहबां ने असूल निज मर्यादा चलाई है उहदे विच असीं परपक् रह सकीए और संगतां नूं गुरु घर का जस गुरु घर के बाणी के धारण करा सकीए यही साडा मुख जिहड़ा विशा सी। सो सतगुरां ने कृपा की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण असीं बेनती करते हाँ जो इस सभा के प्रधान साहब ने नरेंद्र सिंह जी चंडे जिन्हां दा बड़ा वड्डा उपराला कि वख-वख थावां ते मीटिंगां बुला के ते हर तरह की कोशिश हर तरह दीआं योगतावां हर तरह के जिहड़ा ओह इस सभा दे विच अपना जिहड़ा भरपूर जिहड़ा शलाघा योग जिहड़ा उहनां दे बहुत वड्डा उपराला है। ते अज अजनाला दे विच जिहड़ी इह मीटिंग सद्दी गई है उस दे विच नरेंद्र सिंह जी चंडे जो प्रधान साहब साडे आए ने असीं प्रधान साहब जी आप जी नूं इह पुछणा चाहुंदे आ कि जिहड़ा अज दी नवीं नवजुग पुड़ी है जिहड़ी हुण जनरेशन जिहड़ी है उहदे बारे जिस तरह उह पतित हो रही है जां उह गुरबाणी तों इक वख हो रही है जां उह इस सिक्खी तों पिछे जा रही है उहदे बारे इह जिहड़ी सभा उहदा की योगदान है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ब्रह्म ज्ञानी सदा नलेप जैसे जलम कमल अलेप धन धन बाबा बुढ़ा साहब महाराज जी। ब्रह्म ज्ञानी ग्रंथी गुरमत सभा 196 पंजाब अज आप अजनाले दे विच भाई साहब भाई बलवंत सिंह जी भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी भाई गुरमुख सिंह जी ते नाल इन्हां दे आए हुए गुरमुख प्यारे सारे जो कि इस गुरद्वारा धन धन बाबा जीवन सिंह जी शहीद श्रोमणी अस्थान ते आपां पहुंचे हाँ गुरु के प्यार वो साडा महत्व यह है कि जो कि साढ़े बच्चे पतितपने विच जा रहे हैं नशियां दे विच जा रहे हैं दलद दे विच फसे जा रहे हैं उस दलद दे विचों कढ़न वास्ते नशियां दे विचों कढ़न वास्ते आपां एक ग्रंथी जिहड़ी सभा बनाई है इहदा इहो मस्तक है कि यह गुरु घर दे विच अमृत वेले सामां नूं बच्चियां नूं सिक्ख्या देण वाहिगुरू परमेश्वर दे भाणे विच बह करके उस अकाल पुरख दे नाल जोड़ करके वाहिगुरू परमेश्वर दे घरों दरों घरों खुशियां जिहड़ियां हन वो प्राप्त कीतियां होण
ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥਾਪੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਠੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਠੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।